बात करके, और हमारे डीपी मैन जो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो हमारे प्रशांत भाई वो भी यहाँ पर आए, उनसे भी मिलेंगे, वो भी बात करेंगे। गौस भाई ने अपना चैनल ओपन किए नया, सब भाई लोग आप उनको फॉलो करो, उनको सपोर्ट करो, उनका नया चैनल है, उनकी चीज़ बतानी चलती हो लोगों तक, लोगों के पास पहुंचा रहे। गौस भाई एक अच्छा सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो हम सब लोग मिलके उनको चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और आप भी करो और उनको सपोर्ट करके उनको कमेंट करो, उनको फॉलो करो। और आज गौस भाई हमारे मोरिया के पास, टप्पे के पास आके आज हमारा इंटरव्यू लेना आए इधर, हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया करते हैं। तो हमारे को एक चार बात पूछने वाले, हम उनका आंसर अभी हम इधर देने वाले गौस भाई को, अब इसका आगे का कुछ भी है। प्रसाद भाई का नाम बहुत सुने आज मिलने के लिए आ गए हम, और डीपी बॉस बेलगाम के डीपी बॉस है और नाम बहुत सुने इनका, तो परिचित है बेलगाम के अंदर डीपी बॉस करके, तो इनके लिए फेस में आ रहे हैं। तो मैं बोला तुम्हारा एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे और हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएंगे। और प्रशांत भाई आपका कबूतर का शौक किस तरह से ए लेवल में आना पड़ा आपको, कि शौक कबूतर का बढ़ाना पड़ा? मेरे दोस्त सागर भाई जी, मैं इनके पास कभी भी आता था तो हमारा एक रॉक एंड बर्ड्स बोल के उधर एक पीटी है जी। तो सागर भाई हम उधर आने के बाद कभी भी हम को कितने भी अर्जेंट काम में रहे तो ज़रा रुको, ज़रा मेरे को पीटी के पास जाना है जी। तो मैं बारे बार उनको क्यों कबूतर के पीछे बड़े काम करेंगे ये करेंगे हाँ। तो बोलने वाले वो मेरी मोहब्बत अलग है जी, 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 जी। तो मैं क्या बोला, एक दिन गया उनके साथ, मैं जाने के बाद मैं उनका सब देखा तो भी मैं उतना ध्यान नहीं दिया। और ऐसा ही 15 डेज और 15 दिन जाने के बाद एक कबूतरों का कॉम्पिटिशन्स रहता है, वो मेरे को मालूम नहीं था। ये सागर भाई ने बोला आज हमारा कॉम्पिटिशन है और आप आओ जी। तो कॉम्पिटिशन बोलने में कैसा रहता है, क्या रहता है, हमारे को कबूतर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। 2020 में देखे, 2021 में जरा सीखे जी, जी, जी। और 2022 में देखा रहे दुनिया का क्या 3 साल में जी, जी, जी। क्या सागर भाई के साथ आके देखे और अभी दिखा रहे, और ऊपर वाले के पास यही दुआ करते हैं कि जरा और अच्छा, हम कितना होता है उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कैसा है, फिलहाल मैं केसरी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा अभी आज तक बेलगाम की टीम एक जगह पे नहीं आए थे, तो अभी एक 8 दिन 5 दिन हो गया है, अभी एक जगह पे आके तीनों कमेटी मिल के बात चालू है कि जो भी डिसीजन लेना है तो मिल के लेंगे, जो भी क्या भी फंक्शन करना है तो मिल के बात करके करेंगे, तो एक दूसरे का कोऑपरेट रहेगा तो उससे और लोगों का अच्छा ये हो जाएगा। प्रशांत भाई ये मेरे को बहुत भारी बात लगी, इसी बात पर मैं प्लैप्स को मारना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक घर के 5 भाई सही नहीं आज के हाँ, सही है सही। तो आपने 2-3 कमेटी एक करे हैं तो इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को बहुत प्राउड हुआ ये आपकी कमेटी वगैरह जो मिल के काम किए, क्योंकि आज के घर के अंदर एक घर के अंदर 5 भाई है तो 3-2 अलग अलग अलग, तो ये बहुत अच्छे लगा, मैं क्लैप्स करना चाहता हूँ। ये मेरा काम ही है कि मतलब मेरे एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मेरा काम है, और हमारा भी वही काम है, और हम आज तक कौन सी कमेटी वाले को जाके पूछ सकते हैं कि हम उनको ऐसा और उनको ऐसा नहीं बोले, आज तक सबको इज्जत बराबर दी है, सबके साथ हम इज्जत से बात करते हैं, वो पोस्ट पे मैं रहूं या ना रहूं, मगर मैं आपको ये इज्जत देने वाला ऐसा मैं बात किया हूं। और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 2 साल में मेरे को ज़्यादा कबूतर के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, और कबूतर वालों के भी साथ कॉन्टेक्ट नहीं। तो हमारे केसरी में नटराज भाई अध्यक्ष है, और हमारे बाबा जान इसमें अध्यक्ष थे, अभी मुस्तक भाई है ना जी। और अभी हमारे तिरंगा में अमजद भाई और कबीर भाई जी। उनको इतना ही पहचानता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात मोहब्बत से, मगर अभी ऐसा है कि मैं कहाँ भी गया तो मेरे को सब लोग पहचानते कि एक कबूतर वाला जा रहा है क्या, तो मैं इतना सब लोगों को पकड़ के हूँ साहब, और हम आज तक किसी को गलत नहीं किए और गलत नहीं कहने वाले, जितना होता है अपना साखली ज्वाइन करके हम जितना होता है उतना कोशिश करके ये करने वाले। और जी आप जो बात बोले दादा, तो दिल्ली में
जाते हैं दिल्ली में लाते ये करते, ये तो सब बेलगाम का है कमाल आज तक का मेरे को मालूम नहीं था। मैं भी बैठ के बात किया और सागर भाई को इस साल में मैं भेज दिया दिल्ली में, तो तुम दिल्ली जाओ कौन सा पंजाब का इसका है वैसा है, तो सागर भाई दिल्ली जा रहे नहीं थे, तो कई को हमारी मेहनत ही काम लाने वाली है, ये रंग लाने वाली है। और जो भी बोलते हैं दिल्ली जाने के बाद में दवा मिलती है वो मिलती है, तुम दवा डाले तो भी कबूतर उड़ने वाला नहीं भाई लोग। आपका जितना उसको साथ आप टाइम दोगे और उतना आप मेहनत करोगे तो ही परिंदा ऊपर पंख मारेगा। तो कुछ लोगों की ऐसी बात है दिल्ली गया उसका कबूतर उड़ने वाला, तो ये साल हम दिल्ली गए थे तो आज ये साल हमारा कबूतर उड़ा नहीं है भाई। अभी तेरा क्या आंसर है बोलो, जिसने जिसने बोला ना दिल्ली गया कबूतर उड़ने वाला, ये बात दिल में से निकालो, कमेंट कमेंट करना जरूरी है जी। क्या तो ये बात जरा ध्यान में रखो भाई साहब, मेहनत रंग लाने वाली है, मेहनत करना पड़ेगा। और जो नया पीटी बना रहा है, जो बच्चे है 16 साल के 17 साल के, तो उनको एक मेरा दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पीटी करने वाले कबूतर उड़ाने वाले करो, मगर आपका पहला क्या है काम इम्पोर्टेंट है, अपने माँ बाप को देखना जरूरी है, और दूसरा अपना काम धंधा करने के बाद 2 घंटा सिर्फ कबूतर के लिए निकाल के आप कबूतर की पिक्चर हो, तो सुबह से शाम तक कबूतर में रहते हो बोले तो भाई साहब नहीं होगा। सही बात है। कुछ लोग ऐसे है कि मैं कबूतर लाया बोल के वो पढ़ाई नहीं करते, 10 के बच्चे हैं उसमें, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो पहला आप अपना क्या है स्कूल का मोमेंट है तो स्कूल का आप स्टडी करना जरूरी है, और जहाँ पे आप काम पे हो तो आपका काम करना ये भी आपका जरूरी है, और अपने माँ बाप को अपने बहन को अपनी बेबी को किसका भी क्या है उनका पहला काम सराहने के बाद आप इसके प्यार में और इसके मोहब्बत में जाओ क्या। तो ये सबका कहना है, महाराजांग का शौक है बोल के है, जितना भी गरीब है जिसके घर में कबूतर है वो महाराजा ही है क्या। ये क्या है महाराजा का शौक है बोल के आप काम धंधा छोड़ के महाराजा का शौक मत करो भाई लोग, महाराजा मत बनो। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि ये जितना आपको इजी लगता है उतना डेंजर है क्या, उसमें थोड़े लोग कैसा है काम धंधा छोड़ के कबूतर के पीछे है भाई साहब। तो हमारा कहना क्या है, काम भी करो कबूतर भी करो, तो कबूतर के लिए 2 घंटा दो, और आपका टूर्नामेंट है तो 1-4 घंटे पे आप एक कर सकते हैं अपना पहला जो भी है, मत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर वालों को दो। मैं क्या प्रशांत भाई मतलब बोलने का मतलब क्या बता रहे हैं कि दूसरे शौक जो बहुत से आ गए हैं अभी, ये शौक छोड़कर कबूतर का शौक करो चलेगा, ये जो दूसरे के नाम नहीं लेना चाहूंगा, गंदे गंदे शौक बहुत से आ चुके हैं। सही सही। तो वो छोड़कर 1-2 कबूतर अपने रख के अपने टेरेस पर अपने माँ बाप के घर के अंदर रोके, अपने मम्मी पापा के साथ रोके, दाने वगैरह डाल के आराम से रहे तो भी चलेगा, कि मतलब अपने टूर्नामेंट में हिस्सा ही लेना बड़ी बात नहीं है, कि मतलब हमारे प्रशांत भाई भी आके हैं तो एक पूरा एरिया हमारा है, तो इनके टप्पे पर भी आके मजा आ रहने का, ये जीत है तो हमारी जीत हो गई, जो एरिया के जो बड़े हैं उनके टूर्नामेंट में टप्पी है वो हमारा है समझने का, तो उनको सपोर्ट करने का हम सपोर्ट करते हैं। इस साल आज तक कैसा है जितना भी फंक्शन जो लोग अभी कमेटी लोग किए हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्रोड वाला फंक्शन होने का सब कुछ पास चांस है, और आज तक किसकी घर में चिल्लाए कबूतर के पीछे मत पड़ो ये मत पड़ो, तो आज के बाद ऐसा होने वाला है कि कबूतर के बारे में जिसके भी घर में तो चिल्लाने वाला जैसा आप मत काम करो। जितना आपका काम है काम करने के बाद में जो भी लड़का बाहर जाके रुकता है वो 2 कबूतर लाए तो घर के पास ही रुकता है क्या, तो अपने टाइम पे खाना खाएगा और अपने टाइम के साथ सोएगा, अपने घर वाले का भी कोऑपरेट मिलेगा उसको, तो तुम कैसा है उसका गलत फायदा मत उठाओ, कबूतर है बोल के काम धंधा जाना मत छोड़ो। कळकळीची विनंती आहे माझ्याकडनं, मोरया बर्ड्स यांच्या पेटीकडून तुम्हाला एक कळकळीची विनंती आहे, तर तुम्हाला तुमच्याकडे आता नवीन पोरं कोण पण असतील कबूतर नवीन आणून पेट्या करून आता पोरं जर बाळगत असेल तिने शोक करत असतील, तर त्यांना पहिला महत्त्वाची गोष्ट एक शिकवा की तुमची शाळा आहे, शाळाची मेन इम्पॉर्टंट तुमची अभ्यास आहे, काय 10वीची मुलं म्हणा फर्स्ट इयरची मुलं सेकंड इयरची मुलं आजकाल शोक करायलेत, तर त्यांना इम्पॉर्टंट काय पहिला तुम्ही अभ्यास तुमचं घरचं काम हे करून कबूतराच्या शोकमध्ये या, तर तुम्ही प्रेमाने कबूतर बाळगा तुम्ही, खरं तुमचं मेन काय आहे काम, तुमचे आई वडील तुमची कोण लग्न झाले असेल तुमचे मिसेस तुमच्या बायको पोरं त्यांना बघून नंतर कबूतरला टाइम द्या, हे आमची मोऱ्या बर्ड्सकडनं कळकळीची विनंती आहे तुम्हाला भावांनो, पहिला मेन इम्पॉर्टंट आपलं घर। हां
और हमारे डीपी बॉस और हमारे व्यूवर्स को और क्या बताना चाहेंगे आणि काय मराठी मध्ये मी सांगतो तुम्हाला हे आमचे गौस भाई म्हणून आहेत त्यांचा हे चॅनल आहे नवीन तर तुम्ही सर्वजण त्यांना सर्च करा आणि त्यांना लाईक करा कमेंट करा आणि त्यांचा जास्तीत जास्त फॉलोअर्स मध्ये हे करून त्यांचा चॅनल सगळ्याकडे पोहोचवा कारण तिने एक चांगले काम करत आहेत मुख जनावरला कसं करतात काय करतात हे सर्वांच्याकडे माहिती पोहोचवत आहेत आणि यांचा आम्ही खूप खूप आभार मानतो मी आमच्या मोर्या बर्ड्सकडनं यांचा खूप खूप धन्यवाद म्हणतो यांनी आज आमच्याकडे येऊन थोडा टाईम दिले आणि रॉकिंग बर्ड्सकडनं बी आम्ही त्यांचं कोऑपरेट करतो थँक्यू 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 इनका मैं सभी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमें आके बहुत सी इज्जत भी मिली और दोनों भाई हमारे एक नंबर है और कभी हमें जरूरत पड़ी तो वापस में इनके पास आएंगे सेकंड और सेकंड और हमारा एक और एक प्लान चालू है अभी हमारा तो टीम है और जो गौस भाई बोल रहे आप जितना होता है उतना बाहर तक हमारा बेलगाम का नाम रोशन करो तो ऊपर वाले के पास हम तो दुआ कर रही है तो कमेटी मिलकर किए तो बहुत ही भारी है कमेटी नहीं किए तो भी हम दोनों अगले साल तक बाहर तक नाम लेके जाने वाले हैं क्या जैसा अमित भाई बोले वैसा हम भी करने वाले अमित भाई का जैसा माइंड में है वैसा हम भी हमारे दोनों के बारे में ये करके हम दोनों ही करने का एक प्लान है जो कमेटी नहीं की तो हम करने का एक सोचे और साथ में मैं भी कभी भी होंगे हाँ। अब अभी बोल रहा हूँ तुम्हारे एक अभी वीडियो डालूंगा मैं क्योंकि हमारे को बाहर से कप लाने का है हम सब नाचने का है करेंगे करेंगे दादा आपका सबका हमारे साथ साथ रहेगा तो हम जरूर करेंगे और ये हमारे सब बच्चे लोग ये हमारे को बहुत अभी हमारी टीम वर्क है और उनके हेल्पलाइन से ही आज तक हम ये मुकाम के ऊपर आए हैं और इतने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इतने सब हम ट्रॉफीज वगैरह विनिंग किए हैं और मैं अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितने भी टीम वर्कर्स हैं उन सभी भाइयों का थैंक यू सब थैंक यू सो मच।